गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, एजुकेटिव पनवन चैनल में आपका स्वागत है। तो एजुकेटिव पनवन चैनल जो आपका अपना चैनल है, जो आपको सिक्योरिटी नॉलेज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है डेजिस्टर। डेजिस्टर क्या है, उसके टाइप्स कौन से है और उसके अपेक्स क्या है, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले। तो डेजिस्टर क्या है, डेजिस्टर यानी कि एक आपदा, यानी कि डेजिस्टर का डेफिनेशन अगर बताया जाए तो सडनली हैपन होने वाली घटना, इवेंट जो कि आदमी की जान ले सकता है, उसकी माल मत्ता यानी प्रॉपर्टी को हानि पहुंचा सकता है, ऐसी घटित होने वाली घटना यानी कि ऐसी घटित होने वाली आपदा को क्या बोलते हैं, डिजास्टर बोलते हैं। यानी कि सडनली हैपन होने वाली घटना जो कि मैन यानी कि आदमी के जन जीवन को भी ले जा सकती है, उसको मिटा सकती है, उसकी प्रॉपर्टी का भी हानि हो सकती है, ऐसी घटित होने वाली घटना यानी कि सडनली यानी कि आकस्मिक घटने वाली घटना जो भी मैन मेड हो सकती है, यानी कि मानव निर्मित हो सकती है या तो नेचुरल होती है यानी कि प्राकृतिक हो सकती है, उस घटना को क्या बोलते हैं, डिजास्टर बोलते हैं। तो डिजास्टर के टाइप्स कितने होते हैं, तो डिजास्टर दो टाइप के होते हैं। एक फर्स्ट वाला होता है नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक से बनने वाली आपदा, और नेक्स्ट होता है मैन मेड डिजास्टर यानी कि मानव निर्मित जो भी मानव रचित होती है उस आपदा को मैन मेड डिजास्टर बोलते हैं। तो इन डिजास्टर में कौन से आते हैं, नेचुरल डिजास्टर में कौन से डिजास्टर आते हैं, तो उनमें आता है पहले अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, अर्थक्वेक, उसके बाद में फ्लड यानी कि बाढ़, उसके बाद में साइक्लोन, उसके बाद में थंडर्स ऑफ सेवर स्टॉर्म्स, उसके बाद में होता है ज्वालामुखी, उसके बाद में बड़ी बड़ी ताप लहरें आते हैं, आते उष्णाघात बोलते हैं आप, जो भी वो ताप लहरें छूटती है उससे भी डिजास्टर होता है। उसके बाद में अवकाशीय बिजली, जो बिजली जो आकाश में अवकाश से गिरती है उससे भी डिजास्टर होता है। उससे बाद में बादल का फटना, उससे भी डिजास्टर होता है। सूखा यानी कि पूरा सूखा हो जाना, वनों में आग लगना, आदि ये नेचुरल डिजास्टर्स के टाइप्स है, यानी कि उसमें घटित ये सब घटने वाले डिजास्टर है वो नेचुरल है, यानी कि प्रकृति की आपदा से होते हैं, निर्मित होते हैं। तो सेकंड टाइप है मैन मेड यानी कि मानव निर्मित, मानव रचित जो भी घटनाएं डिजास्टर्स होते हैं तो उसको मैनमेड बोलते हैं। उसमें स्टैम्पिंग ऑयल स्पिल्स, बर्निंग, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोशन एंड रेडिएशन यानी कि परमाणु विस्फोट और विकिरण, बर्निंग यानी कि आग लगना, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इंडस्ट्री में अलग अलग एक्सीडेंट्स होते हैं, ऑयल का गिरना, उसमें फाइल फिसलना वगैरह, ऐसे बहुत सारी मानव रचित घटनाएं होती है, तो मानव मेड यानी कि मैनमेड भी डिजास्टर्स होते हैं। तो उसका अपेक्स क्या होता है, यानी कि ये डिजास्टर्स होता है, घटित होता है, तो उसके अपेक्स क्या होते हैं, तो अपेक्स होते हैं यू फेस द डेंजर ऑफ द डेथ एंड फिजिकल इंजरी, यानी कि इससे आपको क्या फेस करना पड़ता है, एक डेंजर डेथ का डेंजर, जैसे डेथ का डेंजर, डेथ हो सकती है किसी की, या तो फिजिकल इंजरी हो सकता है और हैंडीकैप यानी कि डिसेबल हो सकता है। और उसके बाद में नेक्स्ट होता है यू मेल अल्सो लूज ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड पोजिशन, यानी कि आप आपकी प्रॉपर्टी होती है उसको भी खो सकते हैं और जो पोजिशन होता है उसको भी आप खो सकते हैं। तो एक आपदा यानी कि डिजास्टर से आपके पास दो अपेक्स बड़े होते हैं, जो कि आपकी जान जा सकती है और फिजिकली इंजर्ड हो सकते हैं, और उसके बाद में आपकी प्रॉपर्टी की हानि हो सकती है और पोजिशन भी लॉस यानी कि खो सकते हैं। तो हमने आज के वीडियो में देखा कि ये डिजास्टर होता क्या है, तो ये डिजास्टर होता है सडनली हैपन होने वाली एक इवेंट और एक घटना जो कि आदमी के जान ले जा सकती है, उसको फिजिकल इंजर्ड कर सकती है, प्रॉपर्टी का लॉस कर सकती है, ऐसे आकस्मिक घटने वाली आपदा इसको डिजास्टर्स बोलते हैं। वो दो तरह के होते हैं, नेचुरल डिजास्टर और मैनमेड डिजास्टर, यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स प्राकृतिक होने वाली डिजास्टर्स और मैनमेड यानी कि मानव निर्मित रचित रजिस्टर्स। उसमें क्या क्या आता है, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, ज्वालामुखी, ताप लहरी, बादल फटना, सूखा, वन में आग लगना, आदि नेचुरल में आते हैं, और स्टैम्पिंग ऑफ ऑयल्स, बर्निंग, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, न्यूक्लियर जो भी आते हैं वे मैनमेड में आते हैं। उसकी अफेक्ट हमने देखे कि किसी की डेथ जाना या तो फिजिकली इंजर्ड होना और जाना और
क्या होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, उसमें पोजीशन का भी लॉस होता है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, थैंक्स।